ये लड़का जून वो गेम खेल रहा होता है कि तभी उसके टीममेट्स उसे न्यूज़ के बारे में बताते हैं। वो तुरंत टीवी खोलता है तो देखता है कि शहर में बहुत सारे लोग अचानक से हिंसात्मक व्यवहार करने लगे हैं। वो बाहर जाकर देखता है तो दंग रह जाता है क्योंकि सभी लोग हड़बड़ी में चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे होते हैं। वो दरवाजे के बाहर चेक करने ही जा रहा होता है कि तभी उसका पड़ोसी जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाता है। वह उसे बाहर की तरफ धक्का देता है। उसके बाहर ना जाने पर वह चाकू तक निकाल लेता है। तभी आदमी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है और उस पर हमला कर देता है। जैसे तैसे लड़का उसे दरवाजे के बाहर धकेल देता है और दरवाजे के सामने फ्रिज लगाकर उसे जाम कर देता है। सिग्नल वीक होने के कारण वो अपने परिवारजनों को कॉल नहीं कर पाता, लेकिन उनकी तरफ से मैसेज आ जाता है कि वो सब छुपे हुए हैं। वो समझ गया था कि उसे कई दिनों तक वहीं रहना होगा, इसलिए वो राशन को दिन के हिसाब से बांट देता है। अगले दिन वो मदद मांगते हुए अपनी फोटो लोकेशन के साथ अपलोड कर देता है। सिग्नल पकड़ने के लिए वो अपने मोबाइल को ड्रोन में बांधकर बाहर छोड़ देता है, लेकिन बदकिस्मती से ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन 2 हफ्ते बीत जाने के बाद उसे अपने परिवार की बहुत याद आने लगती है। सिग्नल पाने के लिए वह रेलिंग पकड़कर बाहर लटक जाता है। तभी उसे अपनी माँ का मैसेज आता है जिसमें सिर्फ उसके परिवार के तड़पने की चीखें ही सुनाई दे रही होती हैं। गुस्से में आकर वो डंडा लेकर बाहर चला जाता है, लेकिन तुरंत ही उसे एहसास हो जाता है कि उसने